हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। समटाइम इट हैपेंस कि आप किसी के घर जा रहे हैं, आपके पास गिफ्ट है बट आपके पास कार्ड नहीं है। वो कार्ड आप बहुत इजी तरीके से घर में बैठ के बना सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि आपके आसपास जो भी कोई पेड़ पौधे लगे हैं, कोई भी ट्रीज हैं, उनकी लीव्स ले लेनी है आपने और उसको कलर करके आपने पेपर पर ट्रेस करना है एंड देन उसके बाद उसे कट कर लेना है। सो आई एम गोना शो यू विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं इस तरह के कार्ड्स की बात कर रही हूँ। देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है बट आई एम गोना टेल यू इट इज़ वेरी इजी, सो इजी कि यू कैन मेक इट एट होम वेरी इजीली। सो इस तरह से आप किसी भी ट्रीज की कोई भी लीव ले सकते हैं जो आपके आस पड़ोस में आपको इजीली मिल सकती हैं। आपने वो लीव्स ली एंड देन उसके ऊपर आपने पेंट किया। आप कोई भी कलर का पेंट ले सकते हैं, जो भी आपके पास पुराने कोई पेंट्स बचे हैं आप वो भी कर सकते हैं। इसमें आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं, एनी कलर्स। बट बस थोड़ी सी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कलर कर रहे हों वो बहुत ज़्यादा ना लग जाए, जिसकी वजह से वो आपकी जो शीट है उसे ख़राब कर दे। इसके लिए आपने एक नॉर्मल कोई भी ड्राइंग शीट है, कोई ड्राइंग बुक पड़ी है आपके पास, लिटिल थिक पेपर होना चाहिए, आपने उसके ऊपर कर सकते हैं। सी, मैंने 3-4 तरह के लीव्स लिए हैं जिनके ऊपर मैंने कलर कर रही हूँ एंड देन मैं उसको ट्रेस कर रही हूँ। यू कैन सी इट इज़ वेरी इजी, आप इजीली घर बैठ के बना सकते हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी। स्पेशली आई थिंक ये सब चीज़ें नॉर्मली जिनके घर में बच्चे हैं या बड़े हैं उनके घर में ये सब चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। सो अब मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि अगर डिफरेंट कलर्स के अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इवन आप एक कार्ड में, जैसे कि अभी 3 डिफरेंट कार्ड्स बनने वाले हैं, आप एक कार्ड में भी 3 डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। बस जब आप ट्रेस कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उसको थोड़ा प्रेस करना है और थोड़ी देर तक छोड़ना है, जिससे कि जो कलर है वो ईजिली आ जाए। नाउ यू कैन सी जब आप इन लीव्स को हटा रहे हैं तो किस तरह से वो उसका ट्रेसिंग, उस जो लीव है उसकी पूरे डिज़ाइन एंड शेप वो पेपर पे आ गया है। सी, इट इज़ सो इजी एंड इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सी, मैंने इसमें ऑरेंज कलर भी यूज़ किया है एंड देन बाद में आप इनको काट के उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, बेस्ट विशेज, हैप्पी बर्थडे टू यू और समथिंग, वॉट एवर, जिस भी ओकेजन के लिए आप उस कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं। I think it is a very easy trick. Now you can see कि जैसे ही आपके कलर्स ड्राई हो जाते हैं आप इस पेपर शीट को कार्ड की शेप में कट कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये कार्ड कट हो जाता है आप इसको चारों तरफ से ब्लैक कलर की अंडरलाइन भी दे सकते हैं और आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है विद बेस्ट विशेज़।